रुद्र और प्रशा के चाहने वालों को हो रही है शो मेकर्स के ऑन गोइंग थ्रेट से बेहद तकलीफ। वो नहीं चाहते कि रुषा यानी कि रुद्राक्ष और प्रशा की जोड़ी में दरार आए। वो नहीं चाहते कि रुद्राक्ष और प्रशा की राहें अलग हो जाएं और वो नहीं चाहते कि रुद्राक्ष प्रशा को छोड़कर देविका से शादी कर ले। यहाँ पर लोगों ने चल रहे ट्रैक को लेकर के अपनी अपनी दिल की बात बयां करते हुए लिखा है, जिसमें से पहला कमेंट आया है लकी राव का। ये लिखते हैं, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेक श्योर दैट रुद्राक्ष मैरीज प्रशा नॉट देविका और मेक श्योर दिस वेडिंग स्टॉप बिकॉज रुषा गेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट सारांश वेयर ही इज एंड बोथ लीव द मैरिज हॉल इन हरी। ईशा भट्ट कहती है, प्लीज़ रुद्राक्ष को आपसे दूर मत होने दो प्रशा, प्लीज़ आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, रुद्र प्रशा को मिलवा दीजिए शो मेकर्स प्लीज़। तो दर्शन नाकुम के नाम से कमेंट ये लिखते हैं, आई डोंट लाइक दिस ट्रैक। तो वहीं पूजा जांगीर कहती है, प्लीज़ प्रशा अपनी तुम सारी बातें भूल जाओ और रुद्राक्ष के साथ में अपनी ज़िंदगी फिर से स्टार्ट करो। तो वहीं कमशास वर्ड के नाम से कमेंट है ये लिखते हैं, प्रशा प्लीज़ तुम ऐसी हरकत मत करो और देविका को झूठ भी मत बोलो कि उसकी शादी उसके प्यार से करा रही है। वो तो बेचारी पता ही नहीं है कि वो जिससे प्यार करती है वो उसकी भाभी से प्यार करता है और वो अपना सारा प्यार उसको दिए जा रही है जो कि गलत है। तो इसलिए प्रशा तुम देविका से झूठ मत बोलो। तो देखा आपने कि सारे शो मेकर्स के इस डिसीजन को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो नहीं चाहते कि जो ऑन गोइंग ट्रैक चल रहा है देविका रुद्राक्ष की शादी का वो सक्सेसफुली कम्प्लीट हो। अब ऐसे में देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि क्या वाकई में रुद्र और प्रशा के अलग होने की वजह देविका बनेगी, क्या वाकई में रुद्राक्ष देविका से शादी करके हमेशा हमेशा के लिए प्रशा को भूल जाएगा, ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग। पर ऐसी मज़ेदार अपडेट के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।